द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग इज यज की मेरिट लिस्ट आपके सामने होने वाली है एंड यू विल बी इन अचुएशन टू टेक अ राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ कि कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है कॉलेज को प्रायोरिटी दे की कोर्स को प्रायोरिटी दे किस तरीके से आप ये प्लानिंग करोगे फ्रॉम माई एंड फ्रॉम माई एक्सपर्टीज आई स्टेट डाउन ऑल द पॉइंटर्स फॉर यू गाइज कि आप अगर मुंबई में एडमिशन ले रहे हो किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो कैंसिलेशन पॉलिसी क्या होगी कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आई विल गिव यू अ गाइडलाइन और उसके हिसाब से आप अपना कॉलेज अपना कोर्स सारे चीजों का सही डिसीजन ले पाओगे सो गे मेक श्योर दैट यू वॉच वीडियो टेल द हाय गाइज़ वेलकम बैक टू मीडिया मेंटर आपने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे एडमिशंस पे रिव्यूज पे थोड़ा सा रिव्यू वीडियो देख लेना पिछले रिव्यूज़ जो हैं ये साल के रिव्यू में काफ़ी अंतर होने वाला है आई डेंट गेट टाइम टू मेक द लेटेस्ट रिव्यूज ऑफ द कॉलेज बट गाइज अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है आज या आ गया है और आपको अपना डिजायर्ड कोर्स नहीं मिल रहा है मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है सालों का वेर आई एम काउंसलिंग स्टूडेंट टीचिंग स्टूडेंट आई एम माई सेल्फ यू नो टू कर ड्रॉप योर फ्रॉम साइंस स्विच टू मीडिया आई विल tell यू गाइज अगर आप अपना सही कोर्स जो आप चाहते हो वो नहीं लोगे ना आप एक साल के बाद फिर से यही सिचुएशन में होंगे इस साल भी कम से कम 30% परसेंट बच्चों ने ड्रॉप लिया है ड्रॉप ईयर बिकॉज दे डिंट सिलेक्ट द राइट कोर्स फॉर देम सेल्फ सी कई लोग ये बोलेंगे भाई ब्रांड नेम देख के चले जाओ जो भी कॉलेज मिल रहा हो उसमें से कर लो बिकॉज कॉलेज का ब्रांड नेम होना बहुत जरूरी है बट आई वुड डिस एग्री ऑन दैट आई हैव बीन मीटिंग पेरेंट एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेजेस लाइक जय हिंद टू एच आर टू के सी और टू यू नो जेवियर्स मिठी बाय दे हैव देयर डिसअपॉइंटमेंट सो नो कॉलेज इज परफेक्ट एंड वाई दे आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई दर दे हैव टेकन अप अ रॉन्ग कोर्स बिकॉज उन्हें लगाया कि यार ये इतना बड़ा ब्रांड नेम है तो हमें जो भी कोर्स मिल जाए चल जाएगा बट मुझे ब्रांड नेम चाहिए बट आज के टाइम पर यह ब्रांड नेम मैंने नहीं रख रहा है गर्ज देर आर कॉलेज हु आर ऑन द टॉप चार्ट यू नो द बेस्ट कॉलेज टॉप वन और टू में आ रहे हैं बट दे आर नॉट रीटिंग द स्टूडेंट राइट जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ये देख रहा हो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना ताकि जो अभी करंट स्टूडेंट है वो अपना सही डिसीजन ले पाए देर आर लॉर्ड ऑफ कॉलेजेस इन मुंबई जो कि अंडर रेटेड है बट बहुत कुछ कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए तो आई वुड से कि अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है प्लीज लुक एट द राइट कोर्स फॉर योर सेल्फ अगर आप आर्ट्स वाले बंदे हो तो बी ए हो चाहे बी एम एम सी हो उस तरीके का कोर्स लेना अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो स्टिक टू बी एम एस इन्होंने चालू किया है बिकॉज यार ये को पता है ये कुछ भी बेचेंगे आप लोग खरीद लोगे नाउ इफ दे आर सेलिंग यू समी वॉक कोर्सेज हो तो आपको कॉल करके बोल रहे हैं आ जाओ एडमिशन ले लो लाइक यू नो जय हिंद कॉलेज इज डूइंग दैट एच आर के सी के पास बीवॉक में काफी सारे सीट्स पड़ी हुई हैं

कॉलेजेस लाइक मिटी बाई पीपल वॉन्ट टू ड्रॉप आउट बिकॉज यू नो इतने बच्चों को फेल किया पाँच डिविजन से बच्चे हैं तीन डिवीजन दो डिविजन को फेल कर दिया गया ना वट इज हैपनिंग एग्जैक्टली आई एम नॉट थिंक हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट्स करेक्ट हैं बट एटलीस्ट दे आर डिसअपॉइंटेड एंड ये बार आपको ये नज़र आ जाएगी जैसे इलेक्शन रिजल्ट में नजर आया है ना उसी तरीके से कि भाई जो 95 में क्लोज होता था बी में आज उसकी जो कट ऑफ है वो 75 पे क्लोज हो रही है मिटी बाई के एम टॉकिंग अबाउट सो यू गाइस नीड टू बी रियली कॉन्शियस अबाउट कि कौन सा कोर्स है आप सही कोर्स में एडमिशन लो रादर देन लुकिंग एट द कॉलेज ब्रांड नेम बिकॉज कॉलेज ब्रांड नेम आपको आज के टाइम पे कुछ भी नहीं देने वाला है एग्री थोड़ा बहुत एक अच्छा एक्सपोजर होगा उनका फेस्ट थोड़ा सा अच्छा है क्राउड एक अच्छा मिल जाएगा आपको वो चीज़ें मायने रखती है बट उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो जो कि भाई आपको अगले तीन साल निकालने सो so, हमेशा यू नो आई गिव एन एग्जाम्पल कि समझो अगर हमें रिलेशनशिप में जाना है ओके आई एम अ गर्ल सो आई लुक एट अ गाय कि यार ये बंदा बहुत अच्छा दिख रहा है यू नो पर्सनैलिटी अच्छी है ऋतिक रोशन जैसा दिख रहा है क्या मुझे वो देख के रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द पर्सन ही इज़ नॉट रीटिंग मी राइट यू नो ही इज़ नॉट यू नो मेकिंग मी हैप्पी द वे यू नो इफ आई स्पेंड टाइम विद हिम सिमिलरली आपको कॉलेज भी डिसाइड करना चाहिए आप सिर्फ ब्रांड नेम देख के जा रहे हो बट इफ़ द कॉलेज इज नॉट रीटिंग यू राइट इफ़ द फैकल्टीज आर एडमेंट इफ द होल कॉलेज इज एडम जस्ट बिकॉज दे आर द टॉप ब्रांड नेम दे आई वुड से रादर लुक फॉर अ कॉलेज एंड अ गुड कोर्स दैट गिवस यू दैट एक्सपोजर दैट कम्फर्ट दैट काइंड ऑफ यू नो अ क्राउड विच इज देर एंड यू नो विच मेक्स यू हैप्पी सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट अभी आप मुझे पूछोगे कि मैम इस पे कैसे एनालाइज करना है एज आई सेड अगेन आई कॉन्ट एश्योर यू कि एक कॉलेज मतलब ये बेस्ट है या ये परफेक्ट है आई कैन जस्ट टेल यू कि भाई सारे कॉलेज के मैंने जो भी रिव्यू बनाए हैं आप प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड कर सकते हो आप बच्चों से मिल सकते हो एडमिशन के पहले कॉलेज कैंपस विजिट कर सकते हो इस तरीके से इट विल हेल्प यू सो जैसे समझो आपकी मेरिट में आ गई अब आपकी मेरिट में चार कॉलेज आ गए चार कॉलेजेस में से आपको पहला चीज़ देखना है कि आपका डिज़ायर्ड कोर्स दूसरा चीज़ देखना है कि कॉलेज का एक्सपोजर लेवल क्या है फैकल्टी रिव्यूज़ क्या है तीसरा

अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स मतलब कि एक होता है ना एक आपके पास एक डेटा होगा जो शायद आपने मुझसे सुना हो शायद अपने दोस्तों से सुना हो शायद आपने इंटरनेट पे पढ़ा हो बट वेन यू गो योर सेल्फ विजिट द कॉलेज और यू नो द फील और द एक्सपोजर दैट यू फील कि भाई ये कॉलेज की लोकेशन बोल लो या क्लासरूम्स बोल लो या एडमिन डिपार्टमेंट बोल लो आप ट्राई करो कि आप एच वगैरह से बात कर लो अगर पॉसिबल हो पाए तो बिकॉज यू कॉन बी इन्वेस्टिंग थ्री टू फोर इयर्स देर एयर सो यू हैव टू जस्ट गो एंड मीट द एचओ डी इफ पॉसिबल रिक्वेस्ट दम कि आप ना चाहते हो सो दिस वे यू विल बी एबल टू टेक अ राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ सो so गाइज अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो तो प्लीज मत हो इट इज जस्ट दैट कि भाई ब्रांड नेम के पीछे भागे या एक्सेलेंस के पीछे भागे इतना ही है एंड द ऑनेस्टी एंड द रियलिटी ऑफ ऑल द कॉलेजेस विल प्रोमिस यू बिग बिफोर द एडमिशन वंस द एडमिशन इज डन भाई आपको अपनी जिंदगी संभालनी है तो आप अपने हिसाब से एडमिशन लीजिएगा आई जस्ट वॉन्ट ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर डू नॉट स्ट्रेस आउट ऑन ये नहीं मिला वो नहीं मिला यार कॉलेज तो आपको मिल जाएगा आपको अपना एक पोर्टफोलियो एक स्ट्रक्चर बनाना है एंड हियर ऑन मीडिया मेंटर व्हाट वी वी आर डिसाइडिंग इज विल टेल यू 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 द द कंपनीज दैट दैट कैन कैन अप्लाई साइड बाय कोर्सेज डू एंड हाउ टू मेक योर पोर्टफोलियो दैट वी विल बी कंडक्टिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेशन फॉर यू गाइज सो यू डोंट हैव टू वरी तुम्हारा अगर पोर्टफोलियो अच्छा है तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है कोई नहीं पूछने वाला भाई तुम कौन से कॉलेज से करके आ रहे हो मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है जो कि भाई यू नो ग्लोबली एक्सेप्टेड या तो ज्यादा एच एस या तो ज्यादा होमी बाबा यूनिवर्सिटी से आपको पूरा एक बार सिलेबस देख लो अभी आप कैंसिल करना चाहते हो एडमिशन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कॉलेजेसिल रिफंड जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंबायसिस वो बोल रहा है भाई बीस टके हम आपको पैसे वापस नहीं देंगे सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो रिफंड पॉलिसी कॉलेज टू कॉलेज बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी नो बडी लेसेंस टू मुंबई यूनिवर्सिटी वो तो आपने देख लिया होगा मिट्टी बाई मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है बट उन्होंने सात तारीख को अपनी लिस्ट लगा दिया एडमिशन भी खत्म कर दिया है मेरिट अपने हिसाब से लगा रहे हैं तो वो कहां सुन रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी को सो so आपको इतना ध्यान रखना है जो भी कॉलेज में आप फीस भर रहे हो वो जो पॉलिसी बोलेंगे उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा ओके गर्स डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स अगर आप कंफ्यूज हो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू गैट इन टच विद मी फॉर वन ऑन वन काउंसलिंग सेन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर माई टीम विल शेयर द डिटेल्स विद यू सो दैट यू कैन मीट मी पर्सनली और गेट ओवर अ फोन कॉल और जूम कॉल एंड डिस्कस वॉट एवर इनविशन दैट यू हैव रिगार्डिंग योर करियर रिगार्डिंग योर एडमिशन आई वेल हेल्प यू सॉर्ट ऑल योर क्वेश्चन आई होप ग वॉज इफॉर्मटवि थैंस फॉर वॉचिंग एंड स्टेट यून फॉर ऑल ऑफ सच इफॉर्मेटिव वीडियो ऑन मीडिया मेटेड डॉन्गे टू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब